दोस्तों, हैप्पी होली। आप सबको मेरे किचन में स्वागत है, गरमा ब्लॉग में। आज देखिए, होली पर मीठा तो बहुत हो गया। देखिए, इतना गुलगुला, गुजिया, नमकीन सब इधर फ्राई हो गया है। मीठा तो बहुत हो गया, चलो थोड़ा तीखा बनाया जाए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सूरत का फेमस बनाने जा रहे हैं टमाटर के भल्ले। और देखिए, मैंने टमाटर को अच्छे तरह से वाश कर लिया है, धो लिया है। अब इसका हम लोग भल्ले बनाएंगे, एकदम फेमस है सूरत का, और थोड़ा तीखा चटपटा हो जाए होली पर। तो देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ। मैंने टमाटर लिया है, इधर मैंने 1 कप लिया है बेसन, और इधर मिर्चा लहसुन का पेस्ट है। आप लोग गार्निश करके भी डाल सकते हैं, काट कर मेहे में हल्का सा, लेकिन मैंने पीस लिया है। अब प्याज इधर मैंने काटा है, छोटा छोटा बारीक टुकड़ों में मैंने प्याज काट लिया है। ये थोड़ा सा मिर्चा काटा है तीखा बनाने के लिए। मैंने इधर आलू को बॉईल कर लिया है, उबाल लिया हल्का सा। देखिए, अच्छे से इसे उबाल लेना है। अब हम लोग बनाएंगे इसका एकदम चटपटा भल्ले, एकदम टमाटर का टेस्टी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आप लोग इसके बीच में से इस तरह कट कर लीजिएगा, नहीं उस तरह बनाने आ रहा है तो बस आप लोग इसको ऐसे बस थोड़ा सा काट के, बस इसमें से जो भी है बीज आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए, इसमें हम लोग का मसाला सब भर आएगा, इसलिए मैं निकाल रही हूँ अच्छे से इसको। देखिए, अब बस आप लोग को 3 तरीके से बनाने को बता रही हूँ। बस अब आप लोग इस तरह चीरा लगाइए। देखिए, बीच में से मैंने चीरा लगा दिया चार फल्ली का। देखिए, चलिए अब प्रोसेस जारी हम लोग करते हैं। मैंने गैस को ऑन कर दिया है, इस पर कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। अब इसमें से थोड़ा सा जाएगा ऑयल हल्का सा। जो मिर्चा और प्याज को मैंने काटा था उसको अच्छे से इसमें भूनना है। देखिए, मैंने आलू को जो उबाल कर रखा था इसको मिस लेना है अच्छे से। नहीं, इधर हमारा ग्रेवी तैयार हो रहा है, तब तक हम लोग बेसन को भेज लेते हैं। 1 कप बेसन लिया है, अब इसे अच्छे से हम लोग फेंट लेते हैं। इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, और प्याज का, मिर्चा का तीखा जो बनाया था मैंने पेस्ट, उसे मैं डाल दी हूँ। अब इसमें हल्दी जाएगा, सोडा डाल रही हूँ, सब इसमें पानी डालना है। इसे अच्छे से फेंट लेना है हमें, ज़्यादा पतला नहीं करना है ना, ज़्यादा गाढ़ा करना है, आप लोग को बता दे रही हूँ। देखिए, हम लोग का पेस्ट तैयार हो गया है। देखिए ना, मैंने ज़्यादा पतला किया ना, ज़्यादा गाढ़ा किया है। अब इधर हम लोग का बन के तैयार हो गया है। अब इसमें जाएगा आलू जो मैंने उबाल कर रखा था, एकदम टेस्टी स्वाद के लिए मैं इसे भून ली हूँ। अब इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, इधर के साथ गरम मसाला चाट मसाला डाल रही हूँ, इसे और तीखा चटपटा होगा। और ये थोड़ा सा गया ब्लीचिंग फ्लेवर के लिए। अब इसे हमें अच्छे से फोल्ड करना है। मसाला बन के अच्छे से तैयार हो गया, अब इसे हम लोग निकाल लेते हैं। आप लोग धनिया भी ऐड कर सकते हैं, बच्चों को मेरे धनिया नहीं पसंद है इसलिए मैं धनिया नहीं डाली हूँ। देखिए, अच्छे से हो गया है। अब इसे हमें टमाटर में कोट करना है। आप घर पे अच्छे से बनाकर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। आज होली है, होली पर तो मीठा बहुत हो गया, थोड़ा सोची तीखा चटपटा भी हो जाए, तो इसलिए मैं बना रही हूँ सूरत का एकदम फेमस टमाटर के भल्ले। आप लोग घर पे एंजॉय करिए, बनाइए होली पर, खाइए। देखिए, मैंने सारे मिक्स को इसी में एडजस्ट कर रही हूँ। देखिए,
देखिए इसी तरह बनाना है आप लोग को। देखिए उसके बाद इसको ऊपर से ऐसे कर दीजिएगा प्रेस। मैं तीन तरह से आपको बताई हूँ, देखिए इसी तरह कोट करना है आप लोग को। इधर मैंने तेल को गरम कर लिया है, अब हम लोग इसे डालते हैं। इसी तरह कोट करके डालना है आप लोग को। देखिए हमारा भल्ले बन, देखिए कितना अच्छा से भल्ले बन के तैयार हो गए हैं। बड़ा बड़ा मैंने बनाया है। इसी तरह सारे भल्ले को आप लोग बनाना है। मीठा तो बहुत हो गया, प्राइम नमकीन भी हो गया, बच्चों सबका एकदम प्रिय। अब इधर हमारा भल्ला भी तैयार हो गया है, गैस को धीमा कर लिया है। देखिए इधर हमारे भल्ले भी तैयार हो गए हैं। यह हमारा भल्ला बन के तैयार हो गया। तीखा तो मैंने पहले ही डाला था, लेकिन आप लोग धनिया वनिया चटनी के साथ ग्रेवी कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा हमारा भल्ला बन के तैयार हुआ है। ये हम सूरत का फेमस मैंने भल्ले बनाए हैं। आप लोग बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मेरे वीडियो पर जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। देखिए आज होली पे स्पेशल मैंने सूरत का भल्ले बनाए हैं। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय।